अम्मा ये बताओ, जब फूलन देवी जी रही जब अपनी माँ, तो बचपन में उनका स्वभाव झगड़ालू रहा? नहीं सुनो, खूब नीचे जाती। जब को लड़ाते तब चलो पप्पा घरे भाग चलो, वो लड़न लगे थे जाने के नहीं अक्कल रही। हम रोको करे बेटिया लड़ो न को उन्हें कही हम खेती बता ले खेती कही दे हैं। जल बेटिया रही तेल जोते रही दे थी 5 बीघा। अब बेटिया जय मारी गई से मैया देने छुना ले। पूर्व सांसद और विश्व की चौथी क्रांतिकारी महिला वीरांगना फूलन देवी जी के गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। दोस्तों, जैसे ही लोगों की जुबा पे यह नाम आता है तो लोगों की जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह है हमारी अम्मा। ये हमारा बेटा, ये ग्वालियर में बेटा और बेटा नहीं रहे। ये दोस्तों, ये हमारी अम्मा है। अम्मा, हाँ, 5 बहन है 1 भाई। 5 बहन 1 भाई रहे। हाँ, अब तो भाई है, भाई हो गए। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज 24 में। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के शेखपुर गुढ़ा गांव में है। शेखपुर गुढ़ा गांव, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि पूर्व सांसद और विश्व की चौथी क्रांतिकारी महिला वीरांगना फूलन देवी जी के गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। दोस्तों, जैसे ही लोगों की जुबा पे यह नाम आता है उनकी जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक नई ऊर्जा का संचार होता है कि जब एक महिला ने अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला किस तरह से लिया था, जिसका इतिहास गवाह है, और आज कहीं ना कहीं उनका नाम एक उदाहरण बन गया है। आप लोगों ने गांव जवार में देखा होगा, आमतौर पर तो लोग बाग इस बात का उदाहरण देते हैं। तो तस्वीर में आप देख पाएंगे दोस्तों, यही है वो वीरांगना फूलन देवी जी जिनकी चर्चाएं बेशुमार होती है। आज हम उनके गांव में मौजूद हैं। इनसे जुड़ा जो इतिहास है कुछ ऐसा है कि वीरांगना फूलन देवी जी का जो संक्षिप्त जीवन परिचय है कुछ इस तरह से है कि स्वर्गीय देवी दीन मल्ला और इनकी माता जी का नाम श्रीमती मूला देवी है, जो कि अभी हैं, अभी उनसे भी हम मिलाने का काम करते हैं। और इनके बारे में जो संक्षिप्त परिचय दोस्तों कुछ इस तरह कि 1 भाई और 5 बहनों में वीरांगना फूलन देवी जी दूसरे नंबर की बहन थी और 16 वर्ष की उम्र में डाकू द्वारा उन्हें घर से उठा लिया गया था। फिर उनके साथ हुए जुर्म की दास्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बागी बनी वो, और 4 वर्ष जंगल में भटकी, 11 वर्ष जेल में रही। जेल से छूटने के बाद 11वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार मिर्जापुर भदोही की सांसद बनी और 1996 से 1998 तक दूसरी बार 13वीं लोकसभा में सांसद बनी, सन 1999 से 2001 तक। और इनका जो जन्म था वो हुआ था 10 अगस्त सन 1963 को, और जन्म स्थान जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जैसे कि हमने आप लोगों को बताया कि जन्म स्थान इनका शेखपुर गुढ़ा कालपी जालौन। और दोस्तों बताते चले कि 25 जुलाई 2001 को शहीदी दिवस के बतौर सांसद सौजन से एकलव्य वेलफेयर सोसाइटी और तमाम ऐसे जो हमारा छुआ समुदाय या मल्लाह समुदाय या निशा समुदाय के तमाम ऐसे जो संगठन हैं उनके द्वारा जो है बड़े धूमधाम से इनका इनकी वर्षगांठ मनाई जाती है, इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों बताते चले कि आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और दिखाते चले एक बार इधर, कैमरामैन से कहेंगे इधर से जो है फोकस करें, और इसमें मैं जितने लोगों का नाम पढ़ूंगा उन लोगों को दिल की असीम गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और उनका आभार प्रकट करूंगा कि कम से कम समाज में ऐसे भी वीर जिंदा हैं जो अभी माता जी को अपना तन मन धन समर्पित करते हैं। तो आइए दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं। यह है एकलव्य वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा सामाजिक धरोहरों को सहेजने की कड़ी में विश्व की चौथी क्रांतिकारी महिला पूर्व सांसद वीरांगना फूलन देवी जी की जन्मस्थली का पुनर्निर्माण व उनकी प्रतिमा की स्थापना 10/8/2020 को की गई। इस कार्य हेतु एकलव्य वेलफेयर सोसाइटी के निम्न सदस्यों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। पहला नंबर,
श्री विनोद कुमार साहनी गोंडा व श्री जितेंद्र निषाद, ये पहले नंबर का नाम है दोस्तों। और इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये तो माता जी कितने बड़े दीवाने हैं कि पूछिए ही मत। उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया माता जी के चरणों में। इन लोगों के द्वारा जो ये जिन जिन सज्जनों का नाम, शुभचिंतकों का नाम मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, इन लोगों के द्वारा जो है ये निर्माण करवाया गया है। तो ये जितेंद्र निषाद जी हैं, फतेहपुर ने अपनी उपस्थिति में निर्माण कार्य संपादित करवाया था। और दूसरे नंबर पे हैं जितेंद्र निषाद जी, सुल्तानपुर के देखरेख में मूर्ति का निर्माण हुआ था, वो आर्थिक सहयोग 5,000 रुपये। तीसरे नंबर पे हैं अभिषेक निषाद जो कि गोरखपुर से हैं, 25,000 रुपये। और चौथे नंबर पे हैं रमाकांत मल्ला, गोरखपुर से हैं, 25,000 रुपये। और फिर इसके बाद पांचवे नंबर पे हैं डॉक्टर डी के साहनी, आर्थो सर्जन गोरखपुर, इन्होंने 51,000 रुपये। और साथ ही छठवें नंबर पे हैं ब्रजेश कश्यप देवरिया से हैं, 51,000 रुपये। और सातवें नंबर पे हैं इंजीनियर शिव साहनी गोरखपुर, इन्होंने 5,00,000 रुपये देकर जीर्णोद्धार करवाया था, जिसमें माता वीरांगना फूलन देवी जी की प्रतिमा और साथ ही यह मकान, यह भवन निर्माण करवाया गया है। और यहाँ पर माता जी रहती हैं, अभी हम उनसे मिलाने का काम करेंगे दोस्तों। फिलहाल यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि यही है वो वीरांगना माता फूलन देवी जी, जिन्होंने अपने ऊपर हुए जुल्म और अत्याचार का बदला इस तरह से लिया था कि इतिहास सदियों सदियों तक भुला नहीं पाएगा। दोस्तों आमतौर पर महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है, लेकिन पहली बार कोई ऐसी क्रांतिकारी महिला उभर कर सामने आई कि जिन्होंने इतिहास रच दिया और उन उपद्रवियों को, अत्याचार करने वाले लोगों को, जुल्म करने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया कि जब जब किसी माँ बहन बेटी पर अत्याचार होगा तो एक बार जरूर वीरांगना माता फूलन देवी का नाम लिया जाएगा। ऐसी थी वीरांगना माता फूलन देवी जी। और दोस्तों जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने जो है आपको बताया कि 16 वर्ष की उम्र में, जब इनकी उम्र 16 वर्ष थी, तो उस वक्त इनको जो है डाकुओं ने घर से उठवा लिया था और घर से इनको ले जाकर जो है इनके साथ तमाम जुल्म की दास्तान बरसाते रहे। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं बता सकता, इसमें बोल नहीं सकता, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि एक डरी सहमी बेटी के साथ वो सारे जुल्म किए गए, जिसके लिए आमतौर पर लोग बाग कल्पना नहीं करते, सोचते कि ऐसा ना हो, ना हमारे साथ हो ना किसी और के साथ हो। ऐसे ऐसे जुल्म की दास्तान इन पर लिखी गई थी। फिर एक दिन ऐसा भी आया था जब जुल्म करने वाले उन 21 हत्यारों को इन्होंने अपने हाथों से सजा दी थी, तो वो गरिमापूर्ण लम्हा कभी भुलाया नहीं जाएगा। समाज के और हमारे बहुत सारे शुभचिंतक हैं, मथुरा से हैं बड़े भैया श्री कुंवर सिंह निषाद जी, वो भी हमेशा समर्पित रहते हैं इनके प्रति। और बड़े भैया का नाम तो बताया ही, विनोद साहनी जी जो कि गोंडा से हैं, हाँ उनको, वो तो पूरी तरह से इनकी भक्ति में रंगे हुए हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, कैमरामैन से कहेंगे एक बार थोड़ा सा नज़दीक आकर और दिखाएं। और इसके बाद हम चलेंगे, और इनकी माता जी हैं वो अभी जीवित हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उस जुल्म की दास्तां को जानने का प्रयास करते हैं। और यह है गांव, कैमरामैन से कहेंगे इधर से थोड़ा दिखाएं, ये यमुना का तटवर्ती इलाका है, यमुना तट पर हम मौजूद हैं। और इधर ही वो नहाने वगैरह जाया करती थी, यानी कि यमुना में नहाने जाया करती थी। और इधर आप देख पा रहे होंगे यह है गांव, गांव कुछ ऐसा है। और माता जी से मिलाने का काम करेंगे और उनसे जानेंगे हाल माहौल की। दरअसल माता जी हमारे सामने क्या क्या जानकारी जो है साझा करती हैं। तो दोस्तों यह है हमारी अम्मा, ये हमारा बेटा, ये ग्वालियर में बेटा और बेटा नहीं रहे।
ये दोस्तों, ये हमारी अम्मा है। अम्मा कैसी हो? हम तो लाल दस तारीख का पानी ना मिलो चार थे ना नहीं के टेप से थाली ना मिलो कितने लख के रोलो आदमी थाली हो थाली फोटो उतारा तना पे चले गए तब फिर दवाई ले आए दवाई खा रहे बेटा नहीं के वही तब गर्मी पड़ा थी दवाई पानी ना मिलो नहीं के पियन का बेटा आए थे बहू आए थे सुशानी सुशानी ने फोटो लगवाई अब बेटा ने बलदारा खवाओ शिव नारायण ने। तो कैसा लगा माई? तुम आ गए तो तुम के बल गए तुम हमें अच्छे लगो आ गए। दोस्तों माँ की ममता ये आप तस्वीरों में देखकर अंदाज़ा लगा पाएंगे कि जैसे ही मैं आया तो माता जी चार पाई पर लेती थी और उसके बाद आनन फानन में उठी और लगी चूमने जैसे कि एक माँ। माँ की संवेदना, माँ की पीड़ा और माँ का दर्द आप समझ सकते हैं। दुनिया में दोस्तों माँ का दर्जा ना तो कभी कोई ले पाया है और ना कभी भविष्य में ले पाएगा। तो वही माता जी हैं और इनकी अवस्था के अम्मा उम्र की तो उम्र हमें पता नहीं है कौन में पढ़ी है लाला ना पढ़ी नहीं है ना वो क्या बताऊँ 90-95 हो गई होगी हमें पता नहीं है कि जाने सौ की हमें पता नहीं है लाला। अगर सुनो तकलीफ बहुत भोगी बिटिया के पाँच है हाँ और ना कुछ कर पाओ ना कुछ बिटिया चली गई तो दुख बहु लाला बिटिया चलना बनी जाती तो तुम्हें सबका भगवान की दुआ से तो मैं नाम बढ़ा जाती। हाँ बिल्कुल सही कह रही अम्मा। समाज के पास ये लड़ाई लड़ती हाँ कि हमारे समाज के एक अधिकारी पुलिस है हाँ तो कहती अम्मा हम जीत गए हैं तो अपनी समाज वाले इनके पुल से पुलिस करा दें मौका काटती बेटी है हाँ ऐसे बेटी हमारी चली गई क्या करें। अम्मा जब वो छोटी सी थी हाँ तब उनका व्यवहार बचपन में कैसा रहा? वो बचपन में खूब चौका बासन करती जैसी जब हाँ वो काम करती हाँ लड़ाई भिड़ाई नहीं हाँ वो खेती करी हाँ तो मैया दिन जेठ के लड़का का मैया दिन ना हाँ तो वो राशन बाँटते हाँ तो बिटिया माई लड़न लगी हाँ कि मैया दिन देख लड़ू ना दे हनी के रास गल्ला बाँट दे हाँ अरे मैया दिन से लड़न लगी लाला झूठी मूठी थाने भगा लग ये पुलिस वाले अब पुलिस वाले अब आखे हुए गए पुलिस वाले से कमरा मांगो कि हमें दे दो कमरा यहीं बिटिया करा के कौर करा के कहे तो मैं मल्ला हो मैं मल्ला का कौन है हाँ 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 अरे पुलिस वाले ने सुनाई ना करी हाँ पहले मैया दिन है सब भलो आदमी सब खेती जोते अभी जोते जो रुपया भर दे सो इनकी बटन लगे हाँ अब तो सुनाई करन लगे हाँ हाँ। तो अम्मा जब वो राशन ले गई हाँ तब झगड़ा हो गया हाँ झगड़ा हो गया तो बिटिया लड़न लगी हाँ तो फिर का भाव फिर बिटिया लड़ते रही हाँ कि मैया दिन हम तो का धरती नहीं चलन दे तो थाने के बगल लगे अच्छा हाँ बिटिया ऐसी होती पतरी पतरी तो बेटी ठीक है आनंद दी हाँ वो लड़न लगी ऐसी होती इस तरह से लड़न लगी बिटिया जाने भगवान ने कहा किलो खा दई हम तो अब तो फरा रहती तब जंगल में रात के जान तब पांच बहन है एक भाई पांच बहन एक भाई रहे अब तो भाई ये भाई हो गए अच्छा हाँ बिल्कुल। दोस्तों माता जी ये कह रही हैं कि पहले सिर्फ एक ही भाई था फूलन देवी जी के लेकिन अब तो बहुत भाई हो गए इतने भाई हो गए हैं कि गिनती खुद ना। अम्मा ये बताओ जब फूलन देवी जी रही जब अपनी माता जी तो बचपन में उनका स्वभाव झगड़ालू रहा? नहीं सुनो हाँ। खूब नीचे रहती हाँ। जब को लड़ा तो तब चलो पप्पा घर भाग चलो हाँ। वो लड़न लगे थे जाने के नहीं अक्कल रही हाँ। हम रोको करे बेटिया लड़ो ना को हाँ। कही हम खेती बता ले खेती कहे दे हाँ। जल बेटिया रही तेल जोते रही दे थी पाँच बीघा हाँ। बेटिया जो मारी गई से मैया देने छुना ले हाँ। नहीं गई जोत ले अच्छा हड़प ले उन्ने हड़प ले कौनो सरकार है सुनाओ जो हमें दई दवाई दवा दे थे कोई सरकार ने ना मदद कर अब कह लो दोबारे गाड़ी चाड़ी हो जाती तो ये नहीं सुनाई करो तो को अच्छा कैसे वो मोदी मोदी फैसला नहीं कर सके मोदी के हम तो मोदी सरकार खेती जगह मोदी चाहे तो तनक दे फैसला कर ये दोबारे हम चले गए गोलियर दीवार उठा ले
अच्छा कौन नहीं सुनाई कर, तो जो जो देख रहे हैं अम्मा, सब लोग देख रहे हैं ना, विनोद भैया, शिव भैया सब देख रहे, सब देख रहे हैं, तो उनसे बताओ, बताओ उनसे। ऐसे नहीं, वो क्या कर रहे हैं, विनोद भैया से बताओ पहले। क्या विनोद, तुम क्या कही, सब कुछ कही दोबारे की, तुम गाड़ी थोड़ी होने लगी गाड़ी लाल या करा था कर लगा हुआ था। अच्छा अच्छा बिल्कुल होगा अम्मा। और ये बताइए अम्मा, जब फूलन देवी जी जब छोटी सी थी, तब जमुना जी, ये जमुना है? हाँ जमुना। तो यहाँ नहा, सुना पहले? हाँ हम बारी करो करते थे तो वह में, हाँ हाँ, तो लड़की ए पार से वही पार पैर जा, हाँ, तो पिताजी कहने लगे मोड़ी जेल दिखाई है। अच्छा। हाँ कि भाई ना जा, पर ऐसे होती पता नहीं पता, हाँ। भाई जाते वो छोर से वो छोर पैर जा, ये छोर से छोर आ जाए, हाँ हाँ, जाने वे भगवान जाने किन्ने ताकत दे दे, किन्ने अक्ल बता दे लाला। अच्छा माँ, जब वो बिहार में निकल गई तो निकलने की क्या मजबूरी थी? निकलने तो ऐसी भाई इतने निकल गए तेर जेल में, तेर जेल से होता तो बड़ी करा लो। नहीं तो उनको जंगल क्यों जाना पड़ा? जाना पड़ा, ये डकैत उठा ले गए घर से। हाँ मैया दीन ने शिकायत करी, हाँ डकैतों से, हाँ डकैतों से, हाँ मैया दीन के रिश्तेदार थे डकैत, डकैत तो दादा हमने खूब बात करी, हाँ पिताजी के द्वारे बांध पकड़ लो, हाँ फूलन तो दुख रही थी, हाँ फूलन दुख रही थी ना पकड़ पाओ, हाँ मैं बेटा का पकड़ लो, हाँ फूलन बोली मेरे भाई को छोड़ो मैं मारो क्या खा, हाँ वो टेले चली गई, हाँ चली गई। फिर वो रिश्तेदार है तो बिक्रम है भाई, 10 तारीख का बिक्रम को लड़का हो तो भगवान दे अपने समाज को हो तो उन्हें ऐसे ऐसे कई लोग गोली चलाई गई। माँ ये बताओ कि जब वो बिहार में रहा कर रहती थी तो घर आती थी? ना ना हम दे रात हम तो दुख रहते, हाँ पुलिस नहीं मरती, पुलिस मारन लगती। अच्छा पुलिस अच्छा। कुछ न रखो तो दीवार छप गिरा दें जो कच्चे घर आते कपड़े लेते। अच्छा लोग डरते थे अम्मा? हम डरते थे, हम डरते थे, हम तो दुख रहते। अच्छा अच्छा हाँ हम डरते थे, हाँ हम सामने न होते को, हाँ बेटा माउथ होते तो। और उनका उनके बचपन की कुछ ऐसी खास खास बातें बताइए कुछ। अरे यही बात है, लड़ाई होने लगी थी, लड़ने लगी बस, हाँ खूब चकिया पी छोटी गोबर डाल रहे, हाँ चारा पूरा करे सब काम करे थी बेटा, हाँ खजाना थे कि फरार हो जाए, हाँ हाँ मैया दिन, हाँ देखो सुनम सरकार एक पागल झूठी जो को केस लगावे तो उसको पकड़ सकती है, हाँ मैया जी रुपया भर दे तो पैसा भर लो तो वो की बात मान लेते, और अब कौन पुलिस सुनाई करेगी। अच्छा अभी सरकार जो है तो ये कोई सुविधा नहीं दे रही है? कह दे रही है, मैं कह दे रही सिर्फ बताओ। और देखो सुनम कोटा हमें देन का डिप्टी साहब ले गए थे 15 किलो। और अम्मा ये बताओ वो डॉक्टर संजय निषाद का नाम सुनी है? संजय निषाद, हाँ आए थे संजय निषाद आए थे एक दफे, एक दफे, हाँ तो का करके गए? 500 रुपया दे गए, 500 रुपया दे गए, एक धोती दे गए बस। ये वो माता है ना जिसने फूलन देवी माता को जन्म दिया है, इस माँ ने उस शेरनी को जन्म दिया है जिस शेरनी ने ऐसा इतिहास रच दिया कि सदियों सदियों तक इतिहास उसको भुला नहीं पाएगा। तो आज हम आप लोगों को पूर्व सांसद और विश्व की चौथी क्रांतिकारी महिला माता वीरांगना फूलन देवी जी के आवास से तस्वीरें दिखा रहे थे, और साथ ही माता वीरांगना फूलन देवी जी की माता जी से जो है वार्तालाप किए, उनसे परिचर्चा की, उनके बारे में जो संक्षेप में जानकारियां थी वो आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश की। तो दोस्तों ये तो पहली बार है, हम बहुत सारे लोग आए हैं, सब लोग जल्दी जल्दी कवरेज करेंगे, समय का अभाव है, इसलिए समय के अभाव के चलते हम अब जो है आप लोगों से विदा चाहेंगे। तो आज की खबर दोस्तों बस यहीं तक रखते हैं, अगली खबर में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।